आज माँ दुर्गा के विसर्जन का दिन है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जा रहा है और यहाँ पर सब तैयारियाँ भी बहुत अच्छी सी हुई हैं। यहाँ पर लेडीज़ लोगों ने देखो सब ने एक जैसे ही कपड़े भी पहने हुए हैं, ज़्यादातर लोगों ने सब ने एक जैसे ड्रेस पहनी हुई है और बालों में गजरा पूरा मेकअप पूरा करा हुआ है, बंगाली मेकअप कितनी सुंदर सी लग रही हैं और सब ने गजरा वगैरह भी लगाया हुआ है और बहुत अच्छा सा प्रोग्राम हो रहा था जो इसकी रिकॉर्डिंग मैंने आपको दिखा रही है। दुर्गा के विसर्जन के बाद अब हमारा त्यौहार आता है दशहरा। दशहरे में रावण को जलाया जाता है, जो ये काशीपुर का रावण है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रामलीला ग्राउंड में बनाया जाता है जहाँ पे रामलीला इतने दिनों से चल रही है और वहीं पर ये बनाया जाता है पूरा, बहुत अच्छा सा बनता है। ये रामलीला ग्राउंड है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर रावण और मेघनाथ बनाए गए हैं जिनको मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पूरा जो ग्राउंड है बहुत बड़ा सा ग्राउंड है ये, और इसमें पूरे में रात को इतनी भीड़ होती है कि पूरा मेला लगता है यहाँ पर बहुत बड़ा। अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं पहले सुबह से ही आ गई थी, तो यहाँ पर अभी तो कुछ भी नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद पूरा मार्केट लगता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मेला सा बहुत बड़ा मेला लगता है। पूरा ये जो ग्राउंड है इसमें इतनी भीड़ होती है कि अंदर आना भी आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं मेरे को बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। ओके बाय। एक बार आप सभी को मेरी तरफ से विजयदशमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। असत्य पर विजय की जीत को ही विजयदशमी कहते हैं। ओके।